हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम समझते हैं कि आपकी ट्वेल्थ की एग्ज़ाम कैसे होगी, होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न आज समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो हर साल करीब 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ट्वेल्थ की एग्ज़ाम देते हैं, वो जो एग्ज़ाम जनरली कंडक्ट होती है अपनी 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, 20 मार्च के बाद टेंथ की एग्ज़ाम ख़त्म होती है। अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होनी चाहिए, काफ़ी सारे बोलेंगे कि ऑफलाइन होनी चाहिए। तो देखो, अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी आपको ही पता है कोरोना के केस कितने बढ़ रहे हैं, हर दिन 3-3 लाख से भी ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो इसमें एग्ज़ाम ऑफलाइन करना इम्पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल तो नहीं, ऑलरेडी महाराष्ट्र में लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा है, तो ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम तो होना इम्पॉसिबल है। मतलब इसके चांसेस करीब आपको मैं 5-10% पकड़ के चलो कि आपकी एग्ज़ाम कैसे होगी, ऑफलाइन होगी। ऑलरेडी वर्षा गायकवाड़ जी मैडम है अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर, उसने तो बोला ही एग्ज़ाम कैसे होनी चाहिए, ऑफलाइन ही होनी चाहिए। ऑलरेडी सब कुछ आ गया था, हॉल टिकट भी आ गया था, सब कुछ आ गया था, शेड्यूल भी, डेट वगैरह शेड्यूल सब कुछ फिक्स था। पर मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आया, कोरोना के केस इतने सारे बढ़ गए और महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया, तो वापस से एग्ज़ाम क्या हो गई, पोस्टपोन हो चुकी है। तो पोस्टपोन होने के बाद मतलब अभी तक ऐसा सिचुएशन है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी, पर वो होने वाली नहीं है। अभी काफ़ी सारे बच्चे बोले कि ऑनलाइन, ऑनलाइन कर सकते हैं, पर रीज़न क्या, ऑनलाइन करने के लिए अपने पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अपना जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट, उसने कोई अब तक सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं है, हालांकि कोई काम भी चल नहीं रहा है। तो मतलब ऑनलाइन करने के लिए मेन क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर ही अब तक बना नहीं है। सॉफ्टवेयर बनने में करीब 1-1.5 महीना लगता है, तो यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी भी अपने पास काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 5-10% ही चांसेस है कि आपकी एग्ज़ाम कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। अभी देखो, काफ़ी सारे बच्चे बोले कि सर हाई अच्छी बात है, चलो एग्ज़ाम क्या होनी चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए तो अपने लिए भी बहुत अच्छा है। पर आपको बता दूँ, जो टेंथ की एग्ज़ाम कैंसिल हुई ना, उन सबके लिए नुकसान ही है। तुम बोलोगे कैसे सर नुकसान है, पहला देखो, अगर उनकी एग्ज़ाम कैंसिल हुई तो अगर उनको 11th में जाना है, 10th वाले की एग्ज़ाम कैंसिल हुई, अगर उनको 11th में जाना है तो सबसे पहले एग्ज़ाम देनी होगी। उस एग्ज़ाम से उनके डिसाइड होगा कि आपको 11th में किस में एडमिशन मिलेगा। तो देखो, वो तो गलत बात हुई ना, अभी भले आपने एग्ज़ाम नहीं दिया पर आपको कभी वो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, आप जब 11th में आओगे तभी एग्ज़ाम। और काफ़ी सारे जो आपको कॉलेज जो मार्क्स देगी, वो मार्क्स आपको क्या करने चाहिए, पड़ेगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और थर्ड चीज़ क्या है कि अगर कॉलेज ने जो मार्क्स दिए वो मार्क्स आपको पसंद नहीं आए, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, वापस से ऑफलाइन एग्ज़ाम देनी पड़ेगी सारे सब्जेक्ट की। तुम बोलोगे सर ये तो नाइंसाफ़ी हुई, मतलब अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए तो जो पढ़ाकू लोग हैं उनको तो नुकसान होगा, जो वीक लोग रहेंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं उनको तो फ़ायदा हो जाएगा। काफ़ी सारे मेरे क्लास में भी ऐसे आते हैं, सर एक काम करो ना, मेरी ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे दो, आप जितना पैसा बोलो कि वो पैसा मैं दूंगा। तो ऐसे काफ़ी सारे भी होते हैं, मैं तो सबको बोलता हूँ भाई हम ऐसा कुछ काम करता नहीं हो, ना ही कभी करूँगा। तो उससे अच्छा एग्ज़ाम कैंसिल होगी, तो मैंने बताया अगर आपकी एग्ज़ाम भी कैंसिल होगी तो अगर आपको 13 में जाना है तो किस बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चों को CA करना है, CS करना है, MBA करना रहेगा, BEd करना रहेगा, या तो BBI करना रहेगा, BCom करना रहेगा, BEf करना रहेगा, उस सब के भी परसेंटेज कैसे देंगे, तो उस सब पे भी काफ़ी सारा कॉन्ट्रोवर्सी का। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा पहले से भी प्री डिसाइड रहता कि चलो हम सॉफ्टवेयर बना दें तो आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुकी रहती, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी 4 जो मुझे लग रहा है, मतलब कैंसिल होने के चांसेस भी, मतलब मैं भी ऐसा पकड़ के चल रहा, तो 10-20% चांसेस है कि आपकी एग्ज़ाम क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और वन ऑफ द 4th और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल असेसमेंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, असाइनमेंट का मतलब आपको कॉलेज से कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा कि ये आपको बोले जाएगा, हर एक सम के फाइनल अकाउंट के 400, NPO के 200, ऐसा करके आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। इसके चांसेस मुझे तो बहुत हाई लग रहे हैं, मतलब ये 50% तो मुझे लग रहा है 75% तक यही होगा कि आपको कॉलेज से बोला जाएगा, या तो कॉलेज वाले आपको कुछ असाइनमेंट देंगे, ये असाइनमेंट आपको क्या करने होंगे, कॉलेज में सबमिट करने होंगे, और उसके बेसिस पे आपको क्या दिए जाएंगे, परसेंटेज दिए जाएंगे। और ये केस ज़्यादा अगर इंटरनल असेसमेंट हो गए तो आपका डिपेंड करेगा कि आपने कॉलेज की फ़ीस पे करी है कि नहीं पे करी है। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो ऑफलाइन होगी तो सवाल ही नहीं उठता, चलो फीस। अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने कॉलेज की फ़ीस अब तक पे की नहीं रहेगी, उनको कॉलेज वाले ने हॉल टिकट नहीं दी रहेगी, तो क्या करेंगे, इंटर कॉलेज वाले अभी बोलेंगे कि हम असाइनमेंट देंगे। अब असाइनमेंट देने जाओगे तो कॉलेज वाले ऐसे बोलेंगे पहले फीस लाओ, उसके बाद ही क्या करना पड़ेगा आपको, असाइनमेंट सबमिट करो। तो ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ सकता है, जो बच्चे ने फीस ऑलमोस्ट, मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा सभी बच्चों ने फीस पे कर दी रहेगी, अगर इंटरनल असेसमेंट हुआ तो आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपको ही कुछ दिया जाएगा लिखने के, आप जितने मेहनत से जितने अच्छे से लिखोगे उतने परसेंटेज आपको ज़्यादा आएंगे।
और डोंट वरी, अगर आपकी एग्ज़ाम जो भी होगी, मैं तो चाहूँगा कि इंटरनल असेसमेंट हो गए तो सबके लिए अच्छा है। अभी जो टीचर ऐसा बोले कि नहीं एग्ज़ाम कैंसिल होगी, तो कोई टीचर चाहेगा नहीं कि आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो, और ना ही कोई स्टूडेंट भी ऐसा जो अच्छा बच्चा जो पढ़ने वाला रहेगा वो भी नहीं चाहेगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, क्योंकि कैंसिल होगा तो सबको नुकसान होगा। उससे अच्छा का तो ऑफलाइन होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, का तो इंटरनल असेसमेंट होनी चाहिए। हालांकि कैंसिल होने के चांसेस भी ज़्यादा ही है, क्योंकि अभी कोरोना के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट कब तक होल्ड करके रखेगी आपके एग्ज़ाम को? जैसे टेंथ का किया कि चलो बोल दिया कैंसिल, तो वैसे ही होगी। मैं एक्सपेक्ट करूँगा, आई होप आप समझे रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।